नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एंड कंप्यूटर ट्रेनिंग एकेडमी में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है विधानसभा रिपोर्टर हिंदी डिक्टेशन, गति 140 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। महोदय, हम किसी व्यवसाय का नाम तो नहीं सुनते, लेकिन सुनते हैं कि करीब 80 लाख रुपया चीनी उद्योग को दिया गया है। इसका क्या मतलब है? इस बारे में मैं पहले भी कई बार इस तरह की बात कह चुका हूँ। जब कोई संस्था स्थापित होती है तो उसके कार्य कर्मचारी का अनुमान लगाना होता है, देखना होता है कि इतने कार्य हैं और इतने आदमी बहाल होने चाहिए। मुझे तो यह कहने में दुख मालूम होता है पैरा, मुझे तो इस सरकार को सरकार कहने में भी लज्जा मालूम होती है। इसको सरकार नहीं कहना चाहिए, यह तो इस तरह का कुछ है ही नहीं। यह तो एक लूटने के लिए समाज बना है। वह जो कानून बनाते हैं वह इसलिए नहीं बनाते कि उससे देश को कोई लाभ हो, वह इसलिए जरूरी है कि काम के लिए किसी आदमी को ले लें। इस मतलब से कानून नहीं बनता है, बल्कि इस मतलब से बनता है कि एक खास आदमी को उस रोजगार पर लगाना है, उसके लिए कानून बना देते हैं, उसके लिए विभाग खोल देते हैं पर बना देते हैं और उस पर उस आदमी को बहाल कर देते हैं। इस काम के लिए यह कानून बनता है। अब यह कानून बन गया है, लेकिन क्या उपनिदेशक की ज़रूरत थी? अभी इस नियम को बहुत रुपया मिला है, न बहुत कम ही बड़ा है। अभी केवल एक काम हुआ है, केवल चीनी व्यवसाय को रुपया मिला है, जो बिल्कुल उन्नतिशील व्यवसाय है। उसमें उन्नति के लिए रुपये की ज़रूरत नहीं थी। ऐसे ऐसे व्यवसाय की मदद होनी चाहिए थी जो कि पिछड़ी हालत में है। इन शब्दों के साथ अब मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ कि सरकार मेरी बात पर कुछ विचार करेगी। पैरा अध्यक्ष जी, यहाँ प्रतिदिन भाषण तैयार किए जाते हैं, वे यहाँ पर पेश होते हैं, उन पर धन्यवाद के प्रस्ताव पेश होते हैं और पास होते हैं, लेकिन देश की सेवा तब तक नहीं कर सकते जब तक कोई ठोस काम नहीं करते। जब तक हम अपने हालात के अनुसार काम शुरू नहीं करते तब तक हमारा किसी प्रकार से सुधार नहीं हो सकता। इन कामों के लिए सर्वेक्षण करना चाहिए, लेकिन इसका लक्ष्य हमारे सामने नहीं। अगर हमें कोई लक्ष्य प्राप्त करना है जिसके लिए यहाँ पर बार बार कह चुके हैं, तो बहुत से ऐसे वे काम हैं जो हमारे प्रदेश ने अपनाए हैं, बहुत से काम ऐसे हैं जिन पर चलकर हम अपने को आगे ले जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर इस शिक्षा के बारे में कई बार सदन में कहा कि शिक्षा की पद्धति जो हमारे मुल्क की है, यह हमें अंधेरे की ओर ले जा रही है। वह शिक्षा जिसके द्वारा संसार ने हमें गुरु माना था, वह आध्यात्मिक शिक्षा जिसके द्वारा हमारा संसार लोहा मानता था, उसे हम त्याग रहे हैं और हम दूसरी शिक्षा की तरफ जा रहे हैं। हमारे बच्चे अपने इतिहास को छोड़कर दूसरे मुल्कों के, जापान, अमेरिका आदि के इतिहास को पढ़ने में दिलचस्पी लेते हैं। हम अपनी चीज़ों को त्याग कर पश्चिम की नकल कर रहे हैं। मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वह हमें कहाँ पर ले जाए। वह शिक्षा जिसके द्वारा त्याग और तपस्या का उदाहरण पेश किया था, उसे छोड़कर अब हम अवनति की ओर बढ़ने जा रहे हैं। अगर हमें अपने जीवन को ऊंचा बनाना है तो हमें वे उपाय करने होंगे जो हमारे देश में पहले से विद्यमान थे, लेकिन हम उन उपायों को भूलकर दूसरी ओर भाग रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं दिल्ली गया था। मेरे दोस्त ने बहुत ही आश्चर्य में कहा था कि एक फ्रांस के विद्वान दिल्ली में आए थे। उन्होंने किसी जनसभा में भाषण दिया और शुद्ध हिंदी में भाषण दिया। मैंने बड़े गौरव के साथ जाकर उन्हें धन्यवाद किया। जब
मैंने धन्यवाद अंग्रेजी में किया तो वह कहने लगे कि क्या आपको हिंदी नहीं आती है? पैरा, आप हिंदी में धन्यवाद क्यों नहीं करते? मेरे मित्र शर्म के मारे मुंह न उठा सके। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि बाहर के विद्वान हिंदी में यहाँ आकर भाषण देते हैं और यहीं के लोग अभी भी अंग्रेजी में बोलने पर गौरव करते हैं। पैरा, अब मैं आपसे एक दूसरा और बड़ा कठिन सवाल पूछना चाहता हूँ जो कि मेरे और मेरी सरकार के सामने सदा मौजूद रहता है। अगर मैं कहूँ तो हम लोग राजनीतिक दृष्टि से गांधी जी के सिद्धांतों के बीच जन्मे और पले हैं। यद्यपि हमने गांधी जी के विचारों को न तो अहिंसा के विषय में न अर्थशास्त्र के विषय में पूरी तरह ग्रहण किया, फिर भी हमने उनमें से बहुतों को ग्रहण किया जो हमारे देश के लिए उपयुक्त थे और हो सकता है कि संसार के लिए भी उपयुक्त हों। अब आप जरा ऐसे लोगों की कल्पना कीजिए कि जो सदा शांतिपूर्ण तरीकों को ग्रहण किए हुए अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते रहे हों। उन्हें हर दर्जे की हिंसा का और राज्य की हथियारबंद शक्ति का सामना करना पड़ा हो। ऐसा करने में हमें कोई प्रसन्नता नहीं हुई और इससे हमारे मन में बड़ी समस्याएं और संघर्ष उत्पन्न हुए हैं। हम लोग एक सरकार की हैसियत से शांति और व्यवस्था के लिए जिम्मेदार थे और यदि हम शांति और व्यवस्था कायम नहीं रख सकते थे तो सारे देश के छिन्न भिन्न होने का भय था। उस जिम्मेदारी को छोड़ देने का या किसी दूसरे रूप में कार्य करने का हमें अधिकार न था, लेकिन हमारे मन में सदा यह संघर्ष और ख्याल रहा है कि महात्मा गांधी ने जिन बड़े सिद्धांतों को हमें सिखाया था उनके विषय में हम कपटपूर्ण व्यवहार कर रहे थे। हम बातें तो गांधी जी के सिद्धांतों की करते थे पर हर कदम पर हम उनको अमल में लाने में असफल होते थे। यह कष्टकर परिस्थिति थी, परंतु देश में उस समय जो वस्तु स्थिति थी उसे देखते हुए हमें एक विशेष प्रकार से कार्य तो करना ही था। मैं नहीं कह सकता हूँ कि हमने इससे भिन्न कार्य किया होता तो वह अच्छा होता। हम लोगों ने अपनी बुद्धि के अनुसार काम किया और किसी समय भी महात्मा गांधी के संदेश की यथार्थता या सत्य से इनकार न करते हुए हमने वह किया जिसे कि हम अत्यंत आवश्यक समझते थे। अब जो प्रश्न बार बार अपने विविध रूपों में हमारे सामने आता है वह यह है कि हम एक व्यापक रूप में नागरिक स्वतंत्रता के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हैं। जब तक कि नागरिक स्वतंत्रता का खूब विस्तार न हो देश में असली स्वतंत्रता नहीं हो सकती। पैरा, मैं एक और बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। यहाँ सभा बहुत उचित रूप से इस विषय में सतर्क है कि हमारी शासन संबंधी सेवाओं के विकास में अपव्यय को रोका जाए। एक समिति बैठाई जा चुकी है तथा अन्य समितियां भी हैं जो इस पर विचार कर रही है। इस बात को ध्यान में रखिए कि भारत सरकार को जो कि 15 अगस्त 1947 से कार्य कर रही है अब तक की किसी भी भारत सरकार की अपेक्षा अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एक तो पहले ही सरकारें सामाजिक ध्येय को जो उनके सामने होता था अपना मुख्य कार्य या उनके महत्व का कार्य नहीं समझती थी जितना कि हमें समझना चाहिए। दूसरे यह वैदेशिक मामलों का क्षेत्र ले लीजिए जिसके बारे में मैं बोल रहा हूँ। उस समय कोई वैदेशिक मामले नहीं थे। हमारे लिए अपनी वैदेशिक और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति का निर्माण करना एक बिल्कुल नया प्रयास रहा है। पैरा, जिससे लाजमी तौर पर हमें यहाँ और विदेशों में अपने कर्मचारी वर्ग में बहुत काफ़ी वृद्धि करनी पड़ी है और बहुत धन व्यय करना पड़ा है। यह हो सकता है कि कुछ बचत की जा सकती हो, उस पर विचार करना पड़ेगा और उसे देखना होगा। आप स्वतंत्र राष्ट्र होते हुए उन वैदेशिक संबंधों के बिना काम नहीं चला सकते। भारतीय सारे संसार में फैले हुए हैं, हमें उनके हितों को देखना है।
प्रवासी भारतीयों के अतिरिक्त और भी हमारे हित हैं जिन्हें हमें देखना है। एक स्वतंत्र देश के लिए, विशेषकर भारत जैसे महान और बड़े देश के लिए, यह बिल्कुल असंभव है कि वह देश विदेश व्यापार ग्रहों, विदेशों, दूतावासों और विदेशी व्यापार मंडलों आदि के साथ ऐसे संबंध स्थापित किए बिना अपना अस्तित्व बनाए रख सके। पैरा, मैं इसकी चर्चा इसलिए करता हूँ कि अक्सर इसकी आलोचना होती है कि हमारे दूतावास सारी दुनिया में फैले हुए हैं, और कभी कभी मुझसे कहा जाता है कि मुझे एक तरह की सनक हो गई है और यही कि मैं भारत की मुसीबतों को भूल जाता हूँ। पूर्ण विराम।